लाइफ का प्रिंसिपल और स्विमिंग का प्रिंसिपल एकदम सेम। स्विमिंग सिर्फ एक गेम नहीं है सर, इट्स अ फिलॉसफी। बहुत सारे लोग इसलिए बर्बाद हो गए कि वो दूसरों को सुधारना चाहते थे। आपने शर्ट निकाली, पकड़ाया उसे, पैंट उतार दिया, पकड़ाया। आप बोल नहीं पाओगे, आप छुड़ा नहीं पाओगे कि जब भी तुम जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करोगे। ये नियम है और जिनको समझ में आता है वो खेलते हैं खुलकर। ये नियम है कि जब भी तुम जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो तुम्हें नीचे की तरफ खींचेगा। और ये सारे नियम काम करते हैं सर, सारे वैसे तो काम करते ही करते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में भी काम करते हैं। जैसे अगर आप स्विमिंग जानते हैं, स्विमिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट सर, स्विमिंग इज अ फिलॉसफी। स्विमिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है कि आपको आती है स्विमिंग करना तो आप आर्टिस्ट हैं। स्विमिंग सिर्फ एक गेम नहीं है सर, इट्स अ फिलॉसफी। स्विमिंग ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, फिलॉसफी है सर, फिलॉसफी। और इतनी प्यारी फिलॉसफी है कैसे फिलॉसफी है। आप स्विमिंग में एक चीज को अगर समझ जाओ, सांसें, पूरी स्विमिंग पूरी इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रीदिंग। यहीं से शुरू ही होती है सर, और पूरी जिंदगी इज द मैनेजमेंट ऑफ ब्रीदिंग। प्रिंसिपल देखो सर, लाइफ के प्रिंसिपल और स्विमिंग के प्रिंसिपल एकदम सेम। पानी में अगर आपको फ्लोट करना आया, फ्लोट, बॉडी को छोड़ दीजिए सर, सांस रोक लीजिए, बॉडी को छोड़ दीजिए, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपकी जितनी हाइट है उसके आधे पानी पे करिए। हाइट से ज्यादा पानी में चले गए तो गए। ब्रीदिंग, दोनों का संबंध ब्रीदिंग से है। पानी में अगर कोई डूब रहा है, पानी में अगर कोई डूब रहा है, डूबते हुए आदमी के अंदर बहुत ताकत होती है सर, नेगेटिव एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है, डूबते हुए आदमी में ताकत बहुत होती है सर। पानी में अगर कोई डूब रहा है उसे बचाना तो मानवता है सर, उसको बचाना मानवता है, लेकिन उसका एक नियम है सर। डूबने वाले को आप कोई सहारा दीजिए, सपोर्ट। आपने शर्ट निकाली, पकड़ाया उसे, पैंट उतार दिया, पकड़ाया। अगर आप डूबने वाले के करीब पहुंच गए तो पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों जाओगे सर। अगर आप डूबने वाले के करीब पहुंच गए तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों जाओ। उसके पास बड़ी ताकत है, वो जगड़ लेगा आपको, बचाने के चक्कर में आप बोल नहीं पाओगे, आप छुड़ा नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग इसलिए बर्बाद हो गए कि वो दूसरों को सुधारना चाहते थे। बुद्ध भी चाहते हैं सुधारना, पर वो बोलते हैं फॉर एवरीवन। कोई उनके सामने आके अगर शराब पी रहा तो उसे वो टोकेंगे नहीं। कुछ लोग दूसरों को बनाने में इतना डूब जाते हैं कि वो खुद मिट जाते हैं।